कर्म प्रशंसा श्लोक क्रमांक 94 से 102 कथनकार सुंदर हटंगड़ी मिशिगन उत्तर अमेरिका नरेटेड बाय सुंदर हटंगड़ी मिशिगन USA नमस्यामो देवान ननुहत विदेशते पिवशगा विदेरुवन्यसोपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्मायत्तं किममरगणै किंच विदिना नमस्तत्कर्मभ्यो विदिरपिनयेभ्य प्रभवति वृत्त शिखरिणी अन्वय देवान् नमस्यामः ननु ते अपि हत विदेह वशगाः विदिः वन्द्यः सः अपि प्रतिनियत कर्म एक फलदः यदि फलं कर्म आयत्तम् अपरैः किं विधिना च किं तत् येभ्यः विधिः अपि न प्रभवति तेभ्यः कर्मभ्यः नमः हम देवताओं को नमस्कार करते हैं पर वे भी विधाता के वश में हैं हम विधि को नमस्कार करते हैं परंतु विधाता भी कर्म के अनुसार ही फल देता है तो जब फल कर्म के अनुसार ही मिलता है तो हमें देवता या विधिना से क्या काम अतएव हम कर्म को ही नमस्कार करते हैं अर्थात प्रधान मानते हैं जिस पर विधाता का भी कुछ अधिकार नहीं है We adore the gods, but are they not in the power of accursed destiny? It is destiny then that must be adored, but it only dispenses to individuals the fruit of the settled deeds performed in their former state. The fruit of those acts, however, depends upon the acts themselves. Why then should we worship the gods of destiny? Let us pay our respects to those acts over which even destiny has no control. Shloka Kramanka 95, verse number 95. Brahma yena kulala vanyamito brahmanda bhandodare Vishnur yena dashavatara gahane kshipto mahasankate रुद्रो येन कपाल पाणिपुटके भिक्षाटनंकारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय येन ब्रह्मा ब्रह्म अंड भांड उदरे कुलालवत् नियमितः येन विष्णुः महासंकटे दश अवतार गहने क्षिप्तः येन रुद्रः कपाल पाणिपुटके भिक्षा अटनं सेवते येन सूर्यः नित्यमेव गगने भ्राम्यति तस्मै कर्मणे नमः हम उस कर्म को नमस्कार करते हैं जिसने ब्रह्मा को कुमार की नाई सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मांड रूपी वर्तन के भीतर बंद किया जिसने विष्णु को दश अवतार लेकर बड़े संकट में डाला जिसने शिव को हाथ में कपाल ले भीख मांगवाई और जिसने सूर्य को नित्य आकाश में भ्रमण कराया एडोरेशन टू एक्शन बाय विच ब्रह्मा हैज बीन कंस्ट्रेंड टू वर्क लाइक अ पॉटर इन द हॉलो ऑफ दिस यूनिवर्स विष्णु थ्रोन इन टू द ग्रेट डिफिकल्टी ऑफ द ट्रबलसम 10 इनकार्नेशंस Rudra forced to wander a begging with the skull in his joined hands and the sun compelled to constantly travel in the heavens. Shloka Kramanka 96, verse number 96 Naiva krute phalati naiva kulam nashilam vidyapi naiva nacha yatnya kruta api seva भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षाः वृत्त वसंत तिलका अन्वय आकृति ही न एव कुलम न एव शीलम न विद्या अपि न एव यत्नकृता सेवा अपि च न फलति यथा एव वृक्षाः तथा पूर्व तपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि काले फलन्ति खलु
मनुष्य की सुंदर आकृति फल नहीं देती और न उत्तम कुल, न शील और न विद्या और न बड़े यत्न से की हुई सेवा, पूर्व जन्म की तपस्या से संचित किए हुए भाग्य ही वृक्ष की नाई मनुष्य को समय पर फल देते हैं। Neither handsome form, nor noble birth, nor character, nor learning, nor even service assiduously performed, but only the merits of men gained by the observance of religious duties in former state bring forth fruit as a tree does in its season. Shloka Kramanka 97, verse number 97. वने रणे शत्रुजलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। वृत्त उपेन्द्र वज्रा। अन्वय। वने रणे शत्रुजल अग्नि मध्ये महत् अर्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तम विषमस्थितम वा पुराकृतानि पुण्यानि रक्षन्ति। पूर्व जन्म के किए पुण्य ही वन में, संग्राम में, शत्रु के मध्य में, जल में, अग्नि में, बड़े समुद्र में, सोते हुए, असावधान और विषम अवस्था में पुरुष की रक्षा करते हैं। Meritorious deeds performed in a former state save a man everywhere, whether he is in a forest, in the battlefield, or among enemies, in water or in fire. They save him even if he is in the ocean or on the top of a mountain, or whether he be asleep, intoxicated, or in a difficult position. Shloka Kramanka 98, verse number 98. या साधुंश्च खलान करोति विदुषो मूर्खान हितान द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वांछितं। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विप्रलयेष्वास्तां वृथामाकृता। वृत्त शार्दूल विक्रीडित। अन्वय। हे साधो, या खलान साधून करोति मूर्खान च विदुषः द्वेषिणः हितान परोक्षम प्रत्यक्षम हालाहलम तत्क्षणात अमृतम कुरुते ताम भगवतीम सत्क्रियाम वांछितम फलम भोक्तुम आराधय। विपुलेषु गुणेषु व्यसनैः वृथा आस्थाम मा कृताः। हे साधो, अपने वांछित फल का उपभोग करने के लिए उस सत्क्रिया रूपी भगवती की आराधना करो जो दुष्टों को सज्जन, मूर्खों को पंडित, शत्रुओं को हितकारी, परोक्ष को प्रत्यक्ष अर्थात गुप्त को प्रकट और विष को अमृत एक क्षण में कर देती है। बहुत से गुणों के साधन में हट करके वृथा मत करो। O good man, if you wish to gain your desired objects, do not exert yourself in vain with constant application for the acquisition of various qualifications, but cultivate glorious good conduct, which makes evil men good, the fools wise, enemies well disposed, invisible things visible, and which turns poison into nectar in a moment. Shloka Kramanka 99, verse number 99. Gunavada gunavadva kurvata karyamadav parinatiravadharya yatnyatah panditena atiravasakrutanam karmanama vipatte bhavatirudayadahi shalyatulyo vipakaha. Vritta Malini. Anvay. गुणवत् अगुणवत्वा कार्यजातं कुर्वता पंडितेन परिणतिः यत्नतः अवधार्या अति रभस कृतानां कर्मणां विपाकः आ विपत्तेः शल्यतुल्यः हृदयदाही भवति।
पंडित को चाहिए कि किसी भले या बुरे काम को करने से पहले ही यत्नपूर्वक उसके परिणाम को विचार ले कि अति शीघ्रता से बिना विचारे किए हुए कार्य का फल मरण पर्यंत हृदय को मर्मने चुभे कांटे की नाई दुख देता है। A wise man, before undertaking any good or bad action, must carefully look to its consequence. For the result of actions performed with excessive rashness tortures the heart till the end of life like a foreign substance in the body. Shloka Kramanka 100, verse number 100. स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिलखलीं इन्दनैश्चन्दनाद्यैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिखति पशुधाम् अर्कमूलस्य हेतोः चित्वा कर्पूरखण्डान् वृतिमहं कुरुते कोद्रवाणां समन्तात् प्राप्ये मां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः वृत्त श्रगधरा। अन्वय, मंदभाग्य यः मनुजः इमां कर्मभूमिं प्राप्य तपः न चरति सः चांदनैः इंधन ओघैः वैडूर्यमय्यां स्थाल्यां तिलखलं पचति। अर्कतुलस्य हेतोः सौवर्णैः लांगल अग्रैः वसुधां विलिखति कर्पूरखण्डान् चित्वा कोद्रवाणां समन्तात् इह वृतिं कृते। वह मंदभाग्य पुरुष जो कर्मभूमि को प्राप्त कर अर्थात इस संसार से जन्म ले तप नहीं करता, वह मरकतमणि के पात्र से लहसुन का चंदन के ईंधन से पकाता है और अर्क वृक्ष की जड़ की इच्छा से सोने के हल से पृथ्वी को जोतता है और कर्पूर के वृक्षों को काटकर कोदो के चारों ओर डांड बनाता है। That unfortunate man who having come into this world of action does not walk piously is like one who cooks the seeds of sesame over fire from fuel consisting largely of sandalwood in a pan of lapis lazuli. He is like one who turns the soil with a golden shear to get the root of the swallowwort, or is like one who cuts down a grove of camphor trees to fence in a field of the kodrava. Shloka Kramanka 108, verse number 101. मज्जत्वं वसियातु मे ऋषिकरं शत्रून् जयत्वा हवे वाणिज्यं कृषिसेवनादि सकला विद्या कला शिक्षताम् आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं नाभाव्यं भवतीह भाग्यवशतो भाव्यस्य नाशः कुतः। वृत्त शार्दूल विक्रीडित। अन्वय, नरः अम्बसी मज्जतु मेरुशिखरं यातु आहवे शत्रून् जयतु वाणिज्यं कृषिसेवनं सकलाः विद्याः कलाः च शिक्षतु परं प्रयत्नं कृत्वा खगवत् विपुलं आकाशं प्रयातु किन्तु इह कर्मवशतः अभाव्यं न भवति भाव्यस्य नाशः कुतः। मनुष्य चाहे जल में गोता लगावे, चाहे मेरु के शिखर पर चला जाए, चाहे शत्रुओं को संग्राम में जीते, चाहे व्यापार कृषि सेवा इत्यादि की विद्या और कलाओं को सीखे और चाहे बड़ा प्रयत्न करके पक्षी की तरह विपुल आकाश में फिरे, परंतु वह अनहोनीय की होनी कर सकता। जो बात होने वाली है वह होगी और जो कर्मवश होने वाली है सो नहीं टलती। वन में डाइव इन टू द वॉटर्स, ही में असेंड टू द टॉप ऑफ माउंट मेरू, ही में ओवरकम एनिमीज इन अ बैटल, ही में डिवोट हिमसेल्फ टू ट्रेड एग्रीकल्चर और सर्विस,
he may study all branches of learning and the arts, or he may voyage with great effort through the extensive aerial regions. But that which is not to happen in this world never happens. How can that which is destined to befall one under the influence of fate be averted? Shloka Kramanka 102, verse number 102. Bhimam vadam bhavati tasya param pradhanam sarvojanas sujanatam upayati tasya krutsnacha bhur bhavati sannidhiratna purna yasyasti purva sukrutam vipulam narasya. Vrutta Vasanta Tilaka Anuvay. Yasya narasya purva sukrutam vipulam asti tasya bhimam vanam pradhanam puram bhavati tasya sarvaha janaha svajanatam upayati krutsnacha bhuhu sat nidhi ratna purna bhavati. Jis purush ke purva janma ke kiye huve bahut punya hai, uske liye bhayankar van pradhan nagar rajdhani ho jata hai. Sab log mitra ho jate hai aur sampurna prithvi bhi sampurna nidhi aur ratno se purna ho jati hai. Iti Karma Prashamsa. End of chapter Karma Prashamsa. A terrible wood becomes a splendid city. All people begin to be good. The whole world becomes full of excellent treasures and jewels. To that man who has performed plenty of righteous acts in his former existence. End of the chapter of Karma Prashamsa. Narrated by Sundar Hatangdi, Michigan, USA. Kathankar Sundar Hatangdi, Michigan, Uttar America.